उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना नंद नगरी का ये मामला है। पुलिस के मुताबिक थाने के दो जवानों ने कल सुबह 7 बजे नईम और गोविंदा नाम के शख्स को अवैध शराब की तस्करी के आरोप में हिरासत में लिया था। रात 9 बजे गोविंद की तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस गोविंद को जीडीबी अस्पताल ले गई। डॉक्टर्स ने गोविंद को मृत घोषित किया। पुलिस के मुताबिक गोविंदा से कोई मारपीट नहीं की गई। फिलहाल पुलिस मामले में न्यायिक जांच की बात कह रही है, लेकिन अभी तक किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। गोविंदा की रिश्तेदार रेशमा का आरोप है कि गोविंदा के साथ थाने में मारपीट की गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। रेशमा ने यह भी कहा कि पुलिस ने गोविंदा को छोड़ने के लिए 10,000 रुपये भी लिए। एक दिन यहाँ आने में उसकी तबीयत खराब हो गई और वो इतनी मर भी गया इतनी जल्दी, तो फिर इन लोगों ने जब क्यों नहीं बताया? हाँ। अब क्यों बता रहे हैं इतनी रात में? हाँ। कि हाँ क्या वो मर चुका है? इन्हें जब बताना चाहिए था कि हाँ वो मर चुका है। इन्होंने पहले उसके मरने की भी खबर नहीं दी हमें, फिर उसका छोटा वाला भाई भी गायब कर लिया, तो यानी कि इन्हीं की गुंडागर्दी चलेगी।